जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से चलेंगे हर की पौड़ी और माँ गंगे के दर्शन करेंगे। दोस्तों, आज सुबह से ही बहुत ही तेज, कह सकते हैं बहुत ही भयंकर हरिद्वार में बारिश हो रही है, तो माँ गंगे का जल स्तर को भी देखेंगे कितना जल स्तर बढ़ा है। और उसके साथ साथ वर्तमान में जो ताज़ा दृश्य हैं हर की पौड़ी के और हरिद्वार के, वो देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम चलेंगे हरिद्वार रेलवे स्टेशन में और वहां पर जानेंगे क्या वहां पर अभी भी जो कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट है वो चेक हो रही है या नहीं, और क्या श्रद्धालुओं को कुछ राहत मिली है। और उससे पहले हम हर की पौड़ी में एंट्री करते हैं और सबसे पहले माँ गंगे के दर्शन करेंगे और यहाँ के जो वर्तमान दृश्य हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि माँ गंगे के दर्शन आप सभी कर सकें। तो अभी हम हर की पौड़ी में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश अभी भी जारी है। बारिश के बीच में हर की पौड़ी के जो सुंदर दृश्य हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं संजय पुल में, जो कि हर की पौड़ी का सबसे मेन पुल है, और यहाँ पर खड़े होकर यहाँ आसपास के जो व्यू हैं वो देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं संजय पुल पर, इस समय खड़े हैं और यहाँ से आप ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट के सुंदर दृश्य देख रहे हैं। बारिश हो रही है फिर भी श्रद्धालु स्नान करने में लगे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि अब जो है बारिश कम हो चुकी है, सुबह तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी और श्रद्धालुओं का आना भी अब शुरू हो चुका है जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय है क्योंकि गर्मी है नहीं और बारिश की बूंदें हल्की हल्की पड़ रही हैं। दोस्तों, 10 अगस्त से पहले पहले नई गाइडलाइंस भी आने वाली हैं, हो सकता है आज शाम तक या कल गाइडलाइंस आ जाएं, उसकी जानकारी मैं एक दो दिन में आपको दे दूंगा। उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी सी श्रद्धालुओं को और राहत मिलेगी क्योंकि शिवरात्रि भी हो चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं इस समय रेन कोट में आपको दिख रहे होंगे, रेन कोट उन्होंने पहन रखा है। अभी हालांकि बारिश जो है वो कम हो रही है लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़्यादा थी, सुबह से ही ज़्यादा थी। अभी हम चलेंगे जो बाकी यहाँ के जो घाट हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की जो आईडी है मुकेश हेल्प है, वहाँ पर आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और उसके साथ साथ जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ भी अपलोड करता रहता हूँ। और ये देख सकते हैं आप नाई घाट के दृश्य इस समय देख रहे हैं। नाई घाट के जो माँ गंगे का जल का जो बहाव है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और पिछले कई दिनों से हर की पौड़ी में जो जल था वो कम आ रहा था लेकिन आज बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आप जल को देख के समझ भी सकते हैं कि जल में जो रेत की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है। कल एक किसी भैया ने सवाल किया था कि रेत कब तक आएगी, तो अगर आपने वो ये वीडियो देखी है तो मैं आपको बता दूं, जब तक बरसात रहेगी रेत इसी तरह आती रहेगी क्योंकि बरसात में जो भी है रेत बहते हुए, क्योंकि बहाव ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से रेत आती रहती है और जैसे ही बरसात कम होगी उसके बाद जल ठीक होने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये दृश्य हैं, माँ गंगे के दिव्य दर्शन इस समय आप कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य हैं। अब मैं घाट पर पहुंचने वाला हूं, जो मुख्य घाट है घंटाघर घाट है, वहां पर खड़े होकर ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य देख सकते हैं। और यहां पर
जिस तरह बारिश हो रही है उसके बीच ये श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। और ये जो वीडियो है वो लगभग 9:30 बजे के आसपास की वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य इस समय आप देख रहे हैं। और ये हैं हर की पौड़ी के जो प्रमुख मंदिर हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और थोड़ी देर में हम चलेंगे अभी रेलवे स्टेशन, और वहाँ का जो भी वर्तमान दृश्य है वहाँ पर रिपोर्ट चेक हो रही है या नहीं हो रही है, तो सारी जानकारी मैं आपको वहाँ से दूंगा। और अब मैं पहुँच चुका हूँ महिला घाट पर, और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये महिला घाट के दृश्य हैं। और मैं भी बारिश में पूरी तरह से भीग चुका हूँ और आप देख भी सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हर की पौड़ी पे जो सफाई है उसका विशेष ध्यान रखें, किसी तरह की पन्नी रैपर्स पुराने कपड़े वहाँ ना छोड़ें, क्योंकि वो धीरे धीरे करके पैर से लगते लगते वो जल में पहुँच जाते हैं। तो माँ गंगे की आस्था को बनाए रखें और किसी तरह से घाट पर गंदगी ना करें। मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखा करें। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप स्नान करते हैं तो ज़्यादा गहराई वाले स्थान पर ना जाएं, आप किनारे पर बैठकर ही स्नान करें, क्योंकि जल का बहाव कई बार बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पर आप माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही नज़दीक से ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप पास से माँ गंगे के दर्शन कर सकें। यहाँ एक भैया ने दीपक जलाया है। और दोस्तों अब हम मार्केट की ओर चल रहे हैं और थोड़े से दृश्य मार्केट की ओर देखेंगे और उसके बाद हम उधर से ही रेलवे स्टेशन की ओर चलेंगे और वहाँ के वर्तमान जो दृश्य हैं वो दिखाएंगे। तो देख सकते हैं बारिश कम होने की वजह से जो यहाँ आसपास धर्मशाला होटल में जो भी श्रद्धालु रुके हुए हैं उनका आना शुरू हो चुका है। और पहले यहाँ पर भीड़ कम थी लेकिन अब देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। और सुबह तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, कई घंटों तक लगातार अच्छी खासी बारिश हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेन ये अपर रोड का तिराहा है। और अब हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। हरिद्वार रेलवे स्टेशन में देख सकते हैं इस समय कोई ट्रेन नहीं आई है, इस वजह से जो रेलवे स्टेशन है वो खाली है। और यहाँ पर दो बूथ आपको दिख रहे होंगे, ये काउंटर है जहाँ पर कोरोना टेस्ट होता है। मैंने यहाँ पर जो भी डॉक्टर या जो भी सिस्टर थी उनसे मैंने बात करी और उनसे जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने बताया है कि अभी भी जो कोरोना टेस्ट है वो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग मैंने नॉर्मल आते हुए भी देखा है, ये बाहर की तरफ डायरेक्ट ये सीढ़ियों से आप निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा है तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट बाहर निकल रहे थे, उनको किसी तरह का कोई भी रुकावट नहीं थी, किसी को नहीं रोका गया था। हालांकि जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे उनका ये कहना था कि अभी भी सभी को रोक कर जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनका टेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों हरिद्वार रेलवे स्टेशन में जो टेस्ट हो रहा है, कोरोना टेस्ट हो रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा आपको नहीं पे करना है। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है और आपकी यहाँ चेकिंग होती है तो आपको टेस्ट कराने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर टेस्ट करा सकते हैं और रिपोर्ट आने के बाद आप हरिद्वार घूम सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ और भी जो लोग हैं माँ गंगे के दर्शन कर सकें और वर्तमान के जो भी हरिद्वार के ताज़ा हालात हैं उसको देख सकें।